इंटीरियर इस तरह का है दोस्तों, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। बीच में काफ़ी चौड़ा आपको गैंगवे दिया गया है जिससे कि आप यहाँ से वहाँ तक आसानी से जा सकते हैं। और इंडिविजुअल हर सीट के ऊपर आपको यहाँ पर जो है एसी के वेंट वगैरह दिए गए हैं। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है सामान वगैरह रखने के लिए। और काफ़ी लंबी गाड़ी है, एक लंबे सफ़र पे अगर आप जाते हैं तो वॉल्वो की गाड़ियों को ही आप जो है प्रेफर करते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वॉल्वो बुलेट बस के बारे में, जो कि ऑटो शो इंदौर के अंदर इसको यहाँ पर शोकेस किया गया है। तो इसके अंदर चल करके हम इसके फ़ीचर्स आपको बताएंगे एक एक करके कि गाड़ी कितने की आती है, क्या इसके फ़ीचर्स हैं और क्या इसके अंदर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले हम गाड़ी के जो है स्पेसिफिकेशन डिटेल आपको बता देते हैं। गाड़ी का ग्रॉस व्हीकल वेट यहाँ पर मिलता है दोस्तों आपको 19,000 केजी का, और ओवरऑल इसकी लंबाई है 13,500 मिलीमीटर के आसपास। हाइट मिलेगी आपको 3,600 mm के आसपास, और विड्थ है इसकी 2,600 मिलीमीटर के आसपास। 7200 mm के व्हील बेस के ऊपर गाड़ी का निर्माण किया गया है, जिसके अंदर अगर हम इंजन की बात करें तो D8K6300 डायरेक्ट इंजेक्शन जो है डीजल इंजन का यहाँ पर जो है गाड़ी के अंदर यूज किया गया है, जो कि आपको 300 HP की पावर देता है। 1200 Nm का बेहतरीन टॉर्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। इंजन की अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 7700 cc का इससे डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि 6 सिलेंडर इंजन आपको गाड़ियों के साथ यहाँ पर मिलता है। इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है विद इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ऑल डिस्क ब्रेक मिलेंगे आपको यहाँ पर, और EBS एंड ABS की फैसिलिटी आपको यहाँ पर गाड़ी के अंदर मिल जाती है। अगर हम फ्रंट लुक की बात करें दोस्तों तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार फ्रंट फेशिया देखने के लिए मिलता है। गाड़ी चलाने के दौरान ड्राइवर को काफ़ी दूर तक देखने के लिए बड़ा ग्लास दिया गया है, यानी कि विंडशील्ड काफ़ी बड़ी है, और ORVM काफ़ी बाहर की तरफ में निकले हुए हैं जिससे कि रोड के पीछे की साइड में अच्छे से निगाह बनाई रखी जा सके। अगर हम साइड की बात करें दोस्तों तो आप देखेंगे काफ़ी लंबाई वाली ये गाड़ी है और फुल्ली एयर कंडीशन ये गाड़ी है, जिसके अंदर काफ़ी बेहतरीन फीचर और काफ़ी बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी गाड़ी के अंदर यहाँ पर यूज की गई है। बुलेट बस की यहाँ पर आप देखेंगे स्टिकरिंग की गई है, 22.5 इंच के इसके अंदर जो है ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको सामान वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया गया है। पीछे की साइड में आपको यहाँ पर जो है इमरजेंसी एग्जिट भी दिया गया है। अगर हम पीछे से देखें तो दोस्तों इस तरह की गाड़ी आपको दिखाई देगी, 9400 की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग है, और ऊपर जो है काफ़ी हाइट के अंदर गाड़ी जो है हमें पीछे की साइड से यहाँ पर दिखाई देती है। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम का जो है गाड़ी के अंदर यूज किया गया है, वॉल्वो की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर आपका जो है इसके अंदर बूट स्पेस है, रिवर्स पार्किंग सेंसर है, सारी चीज़ों को यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी स्टाइलिश इसके अंदर आपको यहाँ पर टेल लैंप वगैरह मिलते हैं, जो कि आपकी विजिबिलिटी को शानदार बनाए रखते हैं नाइट के समय में। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर एंट्री लेने के लिए आप देख सकते हैं काफ़ी लो फ्लोर आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है, और फुट स्टेप दिए गए हैं जिससे कि आप इजीली गाड़ी के अंदर एंट्री ले सकते हैं। ये आपका डोर है जो कि न्यूमेटिक बंद हो जाता है ये, और काफ़ी मजबूत इसके अंदर हैंडल दिया गया है। यहाँ पर ड्राइवर के साथ ही जो कंडक्टर है उनके लिए सीट दी गई है। ड्राइवर को गाड़ी चलाने के दौरान देख सकते हैं दोस्तों आप काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, यानी कि ड्राइवर जो है वो फ्री होकर के पूरी गाड़ी चला सकते हैं। भाई साहब बैठे हुए हैं, भाई साहब गाड़ी चलाने में कैसी है, कंफर्टेबल है ना? एकदम शानदार है। हमें यहाँ पर काफ़ी सारे कंट्रोल जो है ड्राइवर के अप्रोच में देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों लंबी बस है और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर उनको चलाया जाता है, तो यहाँ पर पीछे की साइड में आपको इसके अंदर रियर जो है कैमरा भी दिया गया है, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर शो होती रहती है। इस तरह का इसका डैशबोर्ड है, और यहाँ पर आपको सारे ही कंट्रोल स्विचेस देखने के लिए मिल जाते हैं। ये पावर स्टेयरिंग है वॉल्वो की ब्रांडिंग के साथ में, और काफ़ी शानदार आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन जो है गाड़ी के रिगार्डिंग यहाँ पर शो होती रहती हैं। तो इस तरह का है दोस्तों अंदर का व्यू। काफ़ी लग्जूरियस गाड़ियाँ आती हैं वॉल्वो की जो है, जिनको कि हम टूरिस्ट पर्पज़ के लिए अक्सर करके यूज़ करते हैं। 2x2 का यहाँ पर जो है सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है, काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी लग्जूरियस फील होता है हमें वॉल्वो की गाड़ियों के अंदर। आप देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर सेमी स्लीपर ये जो है सीट मिल रही है इसके अंदर, और 43 सीट्स मिलती है आपको अगर आप इसके सेमी स्लीपर यूज करते हैं, और अगर आप इसके सेमी स्लीपर को यूज़ नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर 46 जो है सीट मिल जाएंगी ड्राइवर के साथ में, 47 हो जाती हैं। तो इंटीरियर इस तरह का है दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। बीच में काफ़ी चौड़ा आपको गैंगवे दिया गया है जिससे कि आप यहाँ से वहाँ तक आसानी से जा सकते हैं, और इंडिविजुअल हर सीट के ऊपर आपको यहाँ पर जो है एसी के वेंट वगैरह दिए गए हैं, और रीडिंग लाइट है और हैमर है जो कि इमरजेंसी के समय में आप इनका इस्तेमाल करते हैं, और एयर कंडीशन यूनिट जो है बीच में लगाई गई है जो कि पूरी ही गाड़ी को यहाँ पर जो है चिल्ड करने का काम करती है। दोस्तों अगर हम कीमतों की बात करें तो लगभग 1,38,00,000 रुपये के आसपास के इनकी जो है कीमतें हैं। बाकी कीमतें थोड़ी सी वेरी भी कर सकती हैं क्योंकि जगह और परिस्थिति के अनुसार। बाकी अगर इन गाड़ियों की कीमतों की बात करें तो 1,38,00,000 रुपये के कीमतों के अंदर जो है आप इन गाड़ियों को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है सामान वगैरह रखने के लिए, और काफ़ी लंबी गाड़ी है,
एक लंबे सफ़र पे अगर आप जाते हैं तो वॉल्वो की गाड़ियों को ही आप जो है प्रेफर करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बुलेट बस के बारे में आपको जानकारी दे दूं, जो कि 2022 के अंदर इंदौर में ऑटो शो के अंदर इसको यहाँ पर शोकेस किया गया है। ये आपको यहाँ पर एक इमरजेंसी एग्जिट दिया गया है और काफ़ी ही प्रीमियम क्वालिटी का यूज किया गया है गाड़ी के इंटीरियर में। काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है, ये आपका इमरजेंसी एग्जिट हो गया जो कि मैंने आपको दिखाया था साइड से। और ये जो है यहाँ पर पीछे की जो रो है यहाँ पर 5 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। आर्म रेस्ट वगैरह मिलेंगे आपको यहाँ पर और सीट बेल्ट वगैरह है, फायर एक्सटिंग्विशर है, तमाम सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इन गाड़ियों के साथ में यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम पीछे से देखें दोस्तों सीट्स को, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको हर सीट के पीछे की साइड में बॉटल होल्डर दिया गया है, हैंडल दिया गया है, यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर भी दिया गया है। आपके पैरों को रखने के लिए भी यहाँ पर अच्छी खासी व्यवस्था की गई है, क्योंकि सेमी स्लीपर बस है तो इसके अंदर जब आप लेट करके सफ़र करेंगे तो आपको पूरा ही कम्फर्ट यहाँ पर फील होना चाहिए। हर तरह के फ़ीचर्स और हर तरह की लग्जूरियसनेस का यहाँ पर जो है कंपनी के द्वारा ख्याल रखा गया है। तो दोस्तों इस तरह की ये बस है। अगर हम माइलेज की बात करें तो गाड़ी से आपको जो माइलेज है वो लगभग मिल पाएगा 4 किलोमीटर के आसपास का, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी और इतना बड़ी गाड़ी को एयर कंडीशन के द्वारा ठंडा करना और इतने सारे अटैचमेंट के साथ में ये गाड़ी है, तो इससे आपको बेहतर माइलेज मिल रहा है लगभग 4 किलोमीटर पर लीटर डीजल के हिसाब से। फायर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए अलार्म वगैरह भी दिया गया है और वॉच है, जिससे कि हमारे पैसेंजर जो है वो पीछे पीछे बैठे बैठे ही टाइम वगैरह देख सकें। ऊपर की साइड में आपको यहाँ पर एक टीवी स्क्रीन भी दिया गया है, जिसको कि नीचे की साइड में फोल्ड कर दिया जाता है जब हमारे पैसेंजर जर्नी में जा रहे होते हैं। तो ऊपर की साइड में यहाँ पर भी आगे की साइड में एक आपको इमरजेंसी एग्जिट दिया गया है। ये यहाँ पर एम्पलीफायर वगैरह कंपनी के द्वारा फिट करके दिया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी सारे फीचर्स से लैस है वॉल्वो की नई बुलेट बस, जिसके अंदर आपको तमाम सारे फीचर्स मिलते हैं। मैंने अंदर और बाहर के आपको हर तरह के फीचर्स से यहाँ पर रूबरू कराने की कोशिश की है। ये वाले पैसेंजर के लिए यहाँ पर जो है बॉटल होल्डर भी दिया गया है और ये कर्टेन वगैरह जो है आपको सब कंपनी की तरफ से फिट करके दिए जाते हैं जब आप इन गाड़ियों को परचेज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस तरह की बसेस की वीडियो हमने बहुत कम ही बनाए हैं हमारे चैनल के ऊपर। और यही था दोस्तों वॉल्वो बुलेट बस का पूरा डिटेल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।